Hello guys, welcome to Tech Stuff. In today's video we have the Samsung Galaxy M04, iQOO 11 series, Xiaomi 13 series, OnePlus 11, OnePlus Nord band, OnePlus Watch 2, Redmi Note 12 series and a lot more. So अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद सैमसंग. गाइस सैमसंग अपना एक नया एंट्री लेवल गैलेक्सी M सीरीज का स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M04 इंडिया में लॉन्च करने वाला है. सैमसंग गैलेक्सी M04 इंडिया में 9 दिसंबर को लॉन्च होगा और इसकी प्राइसिंग 9,000 रुपीज से कम होने वाली है. इस स्मार्टफोन के दो कलर वेरिएंट्स लॉन्च होंगे, शेडो ब्लू और सी ग्रीन, और इसमें हमें 4GB रैम मिलेगी, 4GB साथ में एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम मिलेगी, 128GB स्टोरेज मिलेगी, 5000mAh बैटरी होगी और MediaTek Helio P35 प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी M04 में हमें मिलने वाला है. सैमसंग वैसे अपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स के लिए लेटेस्ट One UI 5 अपडेट को कॉन्स्टेंटली रोल आउट कर रहा है और सैमसंग गैलेक्सी A22, गैलेक्सी A23, सैमसंग गैलेक्सी M22, S20 FE, A42, A51 और A13 इन सारे सैमसंग के गैलेक्सी M सीरीज और A सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए अब सैमसंग ने फाइनली One UI 5 अपडेट को रोल आउट कर दिया है. ने फाइनली टेक्नो पावा 4 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है. टेक्नो पावा 4 की इंडिया में प्राइसिंग है 11,999 रुपीज. आपको इस स्मार्टफोन में 8GB रैम मिलती है, 128GB स्टोरेज मिलती है, एक लार्ज 6.82 इंचेस की HD+ IPS LCD पैनल मिलती है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, MediaTek Helio G99 प्रोसेसर है स्मार्टफोन में, साथ में आपको 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी स्नैपर मिलता है, 18 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है बट 6000 mAh का बैटरा आपको टेक्नो पावा 4 में मिलता है. इस ट्रूकॉलर कॉन्स्टेंटली अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करता जा रहा है और एक नया फीचर अब रिसेंटली ट्रूकॉलर ने रोल आउट किया है. ट्रूकॉलर हैज नाउ रोल्ड आउट एन इन ऐप डिजिटल गवर्नमेंट डायरेक्टरी इन इंडिया, मतलब वेरीफाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आपको डायरेक्ट एक्सेस इससे मिल जाएगी और बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड, स्पैम से आप बच पाएंगे. नॉट जस्ट दैट, इस डायरेक्टरी से आपको हेल्पलाइन नंबर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एम्बेसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स जैसे वेरियस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी. आप लेटेस्ट ट्रूकॉलर अपडेट के थ्रू इस डायरेक्टरी को अपने स्मार्टफोन में एक्सेस कर सकते हैं. रियलमी 10 प्रो सीरीज के स्मार्टफोन्स 8 दिसंबर को कल लॉन्च होने वाले हैं. फ्लेक्स Realme 10 Pro Plus. तो Realme 10 Pro सीरीज तो लॉन्च हो रही है और इसकी वीडियोस तो आएंगी, बट इफ इन केस आप Realme UI 4 का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है. नॉट जस्ट द Realme 10 Pro सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स, कल Realme UI 4.0 का ग्लोबल डेब्यू भी होने वाला है. मतलब काफी जल्दी आपके एग्जिस्टिंग या पुराने Realme स्मार्टफोन्स में भी आपको लेटेस्ट Realme UI 4 अपडेट मिल जाएगा. वैसे स्मार्टफोन को मैं यूज कर रहा हूँ काफी देर से और Realme UI 4 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. आप बताओ अगर आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए Realme UI 4 को लेके या Realme 10 Pro Plus की अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. Xiaomi 13 सीरीज की लॉन्च 1 दिसंबर को होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इसकी लॉन्च पोस्टपोन हो गई थी, बट फाइनली Xiaomi ने फिर से कंफर्म कर दिया है कि यार Xiaomi 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स 11 दिसंबर को लॉन्च होने वाले हैं. नॉट जस्ट द Xiaomi 13, नॉट जस्ट द Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Buds 4 और साथ में Xiaomi का फर्स्ट एवर PC भी 11 दिसंबर को लॉन्च होने वाले हैं. और आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एटलीस्ट Xiaomi 13 Pro तो इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. Xiaomi से आते हैं Redmi पे गाइस और एक्सक्लूसिव न्यूज टाइम. Redmi Note 12 सीरीज इज फाइनली गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया. मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि इट्स कमिंग वेरी सून. नाउ इट्स कमिंग वेरी वेरी सून. मतलब लेके चलो कि इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर. और Redmi Note 12 Pro Plus डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च होगा और इसमें हमें 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा मिलेगा. अब यहाँ पे सरप्राइजिंग तो कुछ भी नहीं है बिकॉज इस स्मार्टफोन के चाइनीज वेरिएंट में भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा था, बट अभी तक र्यूमर से आ रहे थे कि Redmi Note 12 Pro Plus इंडिया में रीनेम होकर लॉन्च होगा एज Xiaomi 12i Hypercharge. व्हाइल दैट कुड स्टिल बी द केस, बट Redmi Note 12 Pro Plus जो इंडिया में आएगा उसमें भी हमें 200 मेगापिक्सल्स मेन कैमरा कैमरा मिलने वाला है। अब हो सकता है कि Redmi Note 12 Pro Plus एक अलग स्मार्टफोन हो विद 200 मेगापिक्सेल्स और Xiaomi 12i Hypercharge एक अलग स्मार्टफोन हो विद अगेन 200 मेगापिक्सेल्स। आप क्रोनोलॉजी समझ लो, बट इन एनी केस Redmi Note 12 सीरीज अब इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। गाइस, iQOO 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स कल लॉन्च होने वाले हैं चाइना में, बट थाईलैंड में iQOO 11 ऑलरेडी लिस्ट हो गया है। iQOO की थाईलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे iQOO 11 की प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस अब लिस्ट कर दी गई है। इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग कन्वर्ट करने पे 70,600 के आसपास बनती है, बट इंडिया में इसकी प्राइसिंग कम होने वाली है। iQOO 11 में अप टू 16 GB LPDDR5X रैम और अप टू 512 GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलने वाली है। नॉट जस्ट दैट, Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, E6 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, AMOLED डिस्प्ले हमें iQOO 11 में मिलने वाली है। और लास्ट में बात कर लेते हैं OnePlus की। OnePlus 11 लॉन्च होने वाला है जल्दी ही और OnePlus 11 इज गोइंग टू बी एन HDR10+ सर्टिफाइड डिवाइस। और गाइस, OnePlus 11 की इंडियन प्राइसिंग 60,000 टू 65,000 के आसपास होने वाली है। नॉट जस्ट दैट, Q1 2023 में गाइस OnePlus Watch 2 और OnePlus Nord बैंड भी लॉन्च होने वाले हैं। इन दोनों प्रोडक्ट्स की इंडिया में इंटरनल टेस्टिंग अब स्टार्ट हो गई है। मतलब अगले साल के पहले 3 महीनों में OnePlus 11, OnePlus Watch 2 और OnePlus Nord बैंड लॉन्च होने वाले हैं। On that note guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया, और कमेंट पक्का करना। इससे ना YouTube पे व्यूज बढ़ते हैं, एल्गोरिदम सपोर्ट करता है चैनल को, क्रिएटर को। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपीस, जय हिंद।